हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लगाने जा रही हूँ यूफोरबिया मिली की कुछ कटिंग्स जो कि मैं लेकर आई थी। तो मुझे येलो कलर की यूफोरबिया मिली का प्लांट जो है मिल गया था, तो उसकी कटिंग मेरे पास है, तो वो मैं लगाऊँगी आज। दोस्तों, आप जो यह प्लांट देख रहे हैं, यह है यूफोरबिया मिली का प्लांट। मेरे पास यूफोरबिया मिली के दो प्लांट हैं, इसमें रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं। तो इस पर मेरा ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। इसके फ्लावर्स समर में जो है थोड़े इस कलर जो है फेड हो जाता है, लेकिन विंटर्स में इसके फ्लावर्स का कलर बहुत ही सुंदर निखर कर आता है। तो इसके मेरे पास दो प्लांट हैं, आप देख सकते हैं, और दोनों की ग्रोथ जो है अच्छी चल रही है। तो आज मैं इस प्लांट की भी कटिंग लगाऊंगी, और जो मुझे इसका न्यू कलर मिल गया है तो उसकी कटिंग भी मैं आज लगाने जा रही हूँ। तो चलिए आपके साथ शेयर करते हैं कि इसकी कटिंग को हम कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, और अगर मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन वाले बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन होते हैं वो आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये कुछ कटिंग्स मैंने ली हैं यूफोरबिया मिली प्लांट की। तो मेरे पास ये 5 कटिंग्स हैं, इसमें से जो एक कटिंग है वो इस कलर की है, जिसमें येलो कलर के कुछ ग्रीन कलर लिए हुए इसमें फ्लावर्स आते हैं। तो ये मुझे प्लांट की कटिंग मिल गई, तो मैं इसको ले आई, तो इसकी कटिंग भी मैं आज। तो यूफोरबिया मिली प्लांट की कटिंग जो है आसानी से ग्रो हो जाती है, आप कभी भी इसकी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। जैसा कि आजकल समर चल रही है, तो आप इसको लगाने के बाद शेड में रख दीजिए, और अगर विंटर्स में आप इसके प्लांट को ग्रो करते हैं तो फिर आप इसको धूप में रख सकते हैं। तो मैंने ये 4 कटिंग जो ली हैं, ये रेड कलर की हैं, जिसमें रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं, और एक ये जो कटिंग है इसमें येलो कलर के फ्लावर्स आएंगे। तो मैंने इन कटिंग्स को जो है मुझे 4 से 5 दिन हो गए हैं इन कटिंग्स को रखे हुए। दोस्तों, इस प्लांट की कटिंग को आप तुरंत ही तोड़कर मत लगाएं। जैसा कि मैं आपको शो कर रही हूँ कि मैंने इस प्लांट की कटिंग को 4 से 5 दिन पहले प्लांट से तोड़कर अलग रख दिया था, और इसके नीचे का जो हिस्सा आप देख रहे हैं, नीचे का भाग आपको शो हो रहा होगा, ये पूरी तरह से जो है ड्राई हो चुका है, क्योंकि इसमें इसको तोड़ने के बाद एक जैसा दूध की तरह एक लिक्विड पदार्थ जो है निकलता है इसमें से, तो वह पूरी तरह से सूख चुका है सारे ही कटिंग से। आप देख सकते हैं सारी ही कटिंग जो है मेरी, वो नीचे का जो इसका भाग है वो सूख चुका है पूरी तरह से। तो अब यह कटिंग्स लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, तो आज हम इन्हीं की कटिंग्स लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने ले लिया है बालू ली है मैंने, और ये ली है मैंने मिट्टी जो गार्डन सॉइल होती है। बालू की मात्रा मैंने ज़्यादा रखी है, इसमें मैं किसी भी तरह का कोई भी फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करूँगी, ना ही वर्मी कंपोस्ट और ना ही गोबर खाद। इन्हीं दोनों को मिलाकर मैं अपने प्लांट को अपनी कटिंग्स जो है लगाऊँगी। दोस्तों, इसके लिए मैंने एक ये मिट्टी का पॉट ले लिया है, जो कि मेरे पास वेस्ट पड़ा था, तो आप मेरे प्लांटर है इसको इग्नोर करिएगा। ये मिट्टी का पॉट था, तो इसकी मिट्टी जो है काफ़ी झड़ रही है, तो मैंने इसको एक पॉलीथीन में कवर करके रख दिया है, तो इसी में मैं अपनी जो पॉटिंग सॉइल है इसको फिल कर लूँगी, और इसी में अपनी कटिंग्स को ग्रो करूँगी। दोस्तों, आप किसी भी प्लांट की कटिंग अगर लगाते हैं तो उसे बार बार छेड़े नहीं, कटिंग लगाने के बाद उसको एक जगह पर रख दें। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी मिट्टी को पहले गीला कर लिया था, और अपनी सारे कटिंग्स को मैंने जो है लगा दिया है।
अब 1 से 2 महीने के बाद ही इसमें रूटिंग स्टार्ट होगी। आशा है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर।